बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रधानमंत्री की तरफ से थी सुकन्या समृद्धि योजना, तो उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसमें आपको कैसे एनरोल करना है, कितनी अमाउंट तक भर सकते हो, कब मैच्योर होगा, सारी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको रिक्वेस्ट है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट की किसी भी योजना मेरे YouTube चैनल पर आती रहती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से बेटी का भविष्य बनाए उज्जवल। जी हाँ, तो फ्रेंड्स ये है प्रधानमंत्री की तरफ से एक जो योजना आई थी सुकन्या समृद्धि योजना, वो है। तो अब हम वो चेक नज़र मार लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट 250 रुपये से खोला जा सकता है, उससे छोटी बचत के जरिए बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा एवं अच्छी रकम जमा की जा सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पर डिटेल्स दे गई है सर। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 10 साल की उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस बेहतरीन विकल्प से पैसा लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। जो लोग शेयर बाजार के जोखिमों से दूर रहना चाहते हैं और फिक्स डिपॉजिट में गिरते ब्याज दर से परेशान है, तो सुकन्या समृद्धि योजना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है। तो अब हम जानेंगे कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत स्कीम है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक ब्याज दिया जा सकता था। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। जी हाँ, तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सर ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिसकी आमदनी कम है, जो शेयर बाजार में पैसा लगाने से डर रहे हैं और वो निश्चित पूंजी के साथ सुरक्षा की स्कीम में रखना चाहते हैं। तो अब बात करेंगे कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी भी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले उसकी उम्र से कम 250 रुपये के जमा के साथ खुलवा जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। 250 से लेकर 1,50,000 तक आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ खुलेगी ये योजना का अकाउंट? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी भी बैंक, किसी भी पोस्ट ऑफिस या कॉमर्शियल बैंक की शाखा में ओपन किया जा सकता है। कब चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता? तो ये जो भी स्कीम है वहाँ में 21 साल होने या 18 साल की उम्र के बाद शादी होने तक ये चलाया जा सकता है। ठीक है, क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग? तो सुकन्या समृद्धि खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% आप रकम वहाँ से निकाल सकते हो। जी हाँ, यदि आपका कोई स्टडी हो रहा है तो वहाँ से 50% आप जो भी अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम क्या है? तो ये खाता खोलने के लिए बच्चे के माता पिता कानूनी द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसकी उम्र 10 साल के पहले खोला जा सकता है। उसके नियम के मुताबिक एक बच्ची का एक ही अकाउंट खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक ही बच्चों के लिए दो खाता नहीं खोला जा सकता, उसकी टर्म्स है। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूर रहेंगे? तो ये जो भी स्कीम है वो शुरू करने के लिए उसका एक डेथ उसका जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना ज़रूरी है। उसके साथ ही बच्ची और उसका नॉमिनी के पहचान पते का प्रमाण भी देना ज़रूरी है। और सुकन्या योजना में कितनी रकम ज़रूरी है? जी हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखो, ये सिर्फ 250 रुपये से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आप उसमें 250 से लेकर 1.5 लाख तक रुपया यहाँ पे पैसा जमा करवाया जा सकता है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के लिए 15 साल तक जमा करना चाह सकते हैं। 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब रकम जमा कराई जा सकती है। बच्चे के 24 से 30 साल के होने तब सुकन्या समृद्धि योजना खाता मैच्योर हो जाए, उससे जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में जब रकम नहीं भर पाए तो क्या होगा?
तो किसी भी अनियमितता की वजह से जो अकाउंट में पैसा जमा नहीं करा है तो उससे सिर्फ उसमें आपको 50 रुपये पेनल्टी लगती है और आपका अकाउंट है वो वापस आप एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो भी पेनल्टी वो आपके अकाउंट में ही डालनी है, अकाउंट से कट के आपका हो जाए। समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी? तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा करवाई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। उसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना कंपलसरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है अगर ईस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है तो। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज मिलना जाएगा, जबकि ई ट्रांसफर मामले में डिपॉजिट के दिन ही यह गणना की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज की गणना कैसे होती है? तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे मिलेगा, तो आप एक बार उसको पोज करके देख लीजिए कि भाई कितने साल आप भरोगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर एज दी गई है, ईयर दिया गया है, और यहाँ पे जो भी है मैच्योरिटी इंटरेस्ट भी दिया गया, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप एक बार ध्यान से देख लीजिए भाई कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप देखो, यहाँ से आप वीडियो को पोज करके वो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, तो सरकार की ये जो भी स्कीम है उसके जो भी इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? तो फ्रेंड्स देखो, ये 2014 से लेके अभी तक 9.1, 9.2, 8.6, 8.5, 8.1, 8.5 तक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। मैच्योरिटी से पहले किन हालत में सुकन्या योजना बंद किया जा सकता है? अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट देकर खाता बंद करवाया जा सकता है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा रकम की अभिभावक को ब्याज सहित वापस दिया जा सकता है। दूसरे मामलों में सुकन्या समृद्धि खाते को खोलने के 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है यदि कई परिस्थितियों में किया जा सके, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारी के मामले में। तो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो इसका अकाउंट बैंक अकाउंट जो भी है ट्रांसफ़र कहीं से भी हो सकता है। उसके लिए आपको सबूत दिखाना पड़ेगा, यदि आप सबूत नहीं दिखाओगे तो उसके लिए आपको 100 रुपये का पेनल्टी चुकाना पड़ेगा और आपका जो भी अकाउंट है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आपकी बेटी की उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की यहाँ पर सब डिटेल दी गई है, तो आप एक बार रीड कर लीजिए जो क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निकासी, तो यदि उसमें आपको जो भी है उसकी रकम निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। यदि उसकी शादी हो, शिक्षा के लिए, आप उसका पैसा अकाउंट से निकाल सकते हो। तो सुकन्या समृद्धि योजना मैच्योर कब होगा? तो खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या चाइल्ड की शादी होने तक उसका खाता मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स से जुड़ी काम भी है, यहाँ पे वो आपको इतना वो डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को कमेंट करना ना भूलें। यदि फ्रेंड्स आपको ऐसी योजनाओं की डिटेल चाहिए तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल पर ये डिटेल सब आती रहती है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेवड़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।